55 साल पहले चीन ने भारत को एक ऐसा घाव दिया था जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत को हार मिली थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा है कि भारत ने 1962 के युद्ध के 5 साल बाद ही चीन से बदला ले लिया था और किसी को पता भी नहीं चला। आखिर क्या है 1967 के युद्ध में चीन पर भारत की विजय का सच, आइए बताते हैं। साल 1962 में हुए युद्ध में मिली हार आज तक देश नहीं भुला पाया है। ये वो तस्वीरें हैं जब चीन ने भारत को बुरी तरह से हराया था, लेकिन 1962 की हार के जख्मों पर मरहम लगाने वाला एक मैसेज वायरल हो रहा है, एक दावा जो दिल को खुश करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के जरिए दावा है कि 5 साल बाद ही भारत ने चीन से मिली हार का मुंहतोड़ जवाब दे दिया था, लेकिन किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगी। वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, देश के लोग ये तो जानते हैं कि चीन ने हमें 1962 में हराया, पर ये नहीं जानते कि 1967 में हमने भी चीन को हराया था। चीन ने सिक्किम पर कब्जा करने की कोशिश की थी, नाथुला और चोला फ्रंट पर ये युद्ध लड़ा गया था। चीन को ऐसा करारा जवाब मिला था कि चीनी भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में 88 भारतीय सैनिक बलिदान हुए थे और 400 चीनी सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के बाद ही सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। इस युद्ध में पूर्वी कमान को वही सैम मानेकशॉ संभाल रहे थे जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया था। ये दावा खुश करने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या वाकई भारत ने चीन को हराकर अपने जवानों के बलिदान का बदला लिया था? सवाल का जवाब जानने के लिए हमने दावे की पड़ताल शुरू की। दावे का सच जानने के लिए हमने दो मोर्चों पर पड़ताल की। एक तरफ हम चीनी मामलों के जानकार के पास पहुंचे और दूसरी तरफ 1967 में क्या हुआ था ये जानकारी जुटानी शुरू की। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पड़ताल की तो पता चला कि 6 सितंबर 1967 में भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के मकसद से नाथुला से लेकर सेबुला तक तार बिछाने का फैसला किया। तार बिछाने को लेकर चीन की तरफ से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद भारतीय अधिकारी और चीनी अधिकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की से तनाव बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर चावला इलाके में गोलीबारी की, लेकिन यहाँ पर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। सितंबर और अक्टूबर में चीन और भारत के बीच हुई इस झड़प में करीब 400 चीनी सैनिक मारे गए। वहीं भारतीय सेना के 88 जवान शहीद हुए जबकि 163 जवान घायल हुए। मैं ये नहीं जानता कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इस तरह के अटेम्प्ट कई बार उन्हीं ने किए थे चाइनीज सेना ने, और उसमें एक अटेम्प्ट ये भी रहा होगा, फुल फ्लेश युद्ध नहीं था, लेकिन ये कि हाँ वहाँ बॉर्डर पे आने की कोशिश की गई, उनको रोका गया, जब नहीं रुके तो वहाँ पे लड़ाई भी हुई होगी। मैं तो ही केवल कह सकता हूँ ये तो सच है कि वहाँ पे इस तरह की कई बार स्क्रिमिशेज हुए, कई बार चाइना ने कोशिश की थी जिसको हर बार हिंदुस्तान रोक लेता था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि 1967 में भारत और चीन के बीच बड़ी झड़प हुई थी, लेकिन इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत को जीत मिली थी, इसलिए दावा सच साबित हुआ है।